हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है एक मधुमक्खी और एक कबूतर की। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल गई और वह अब वहाँ से आना भी चाहती थी तो काफ़ी थक चुकी थी। रास्ते में आते वक्त एक नदी पड़ती थी और उसी नदी पर वह मधुमक्खी अचानक गिर गई। जैसे ही वह मधुमक्खी उस पानी में गिर गई, अब उसकी थकान और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके पंख अब गीले हो चुके थे, यानी उसकी मृत्यु अब निश्चित थी। तभी उसी नदी के तट पर एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। वह कबूतर इस घटना को बहुत अच्छी तरह से देख रहा था। उसने सोचा कि अब इस मधुमक्खी की मृत्यु निश्चित है, मुझे इसे बचाना चाहिए, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। तभी उस कबूतर ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और अपनी चोंच में दबाकर उस पानी तक ले गया जहाँ तक वह मधुमक्खी गिरी हुई थी। उस कबूतर ने अपनी चोंच से वह पत्ता वहीं पर छोड़ा और वह पत्ता पानी में जैसे ही गिरा, वह पत्ता तैरने लगा। मधुमक्खी की नज़र जैसे ही उस पत्ते पर पड़ी, वह आसानी से उस पत्ते पर चढ़ गई और आराम से अपने पंख सुखाने का इंतज़ार करने लगी। और जब उसके पंख सूख गए, वह आसानी से उड़ान भर गई और वह उस कबूतर के पास जा पहुंची और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हे कबूतर, आपने मेरी जान बचाई। हालांकि आप ना आते तो मेरी मृत्यु जो थी वह निश्चित थी, मैं मारी जाती, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। कबूतर ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य था। मैं जब देखा कि आपकी जान खतरे में है तो मैंने आपकी मदद के लिए यह पत्ता पानी में डाला। और मधुमक्खी धन्यवाद करते हुए चली गई। एक बार की बात है, वह कबूतर उसी पेड़ पर बहुत ही मस्ती से सो रहा था और सोते सोते उसे यह भी नहीं पता था कि कोई शिकारी उसका शिकार कर लेगा। तभी एक शिकारी आता है और अपनी तीर से उस कबूतर पर निशाना साध रहा होता है। तभी वह जो मधुमक्खी थी, वह रोजाना उस वही कबूतर के पास आती थी, उसने देख लिया उस शिकारी को निशाना साधते हुए। उस मधुमक्खी ने उस शिकारी के आंखों में जाकर डस लिया और जैसे ही वह चिल्लाकर तीर छोड़ा, तीर गिर गया और वह कबूतर जाग उठा। उसने देखा कि उसकी जान खतरे में थी। उस कबूतर ने उस मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए। हमेशा जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी आपकी हमेशा मदद करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वह संकट में है तो लोगों को मदद करनी चाहिए। आपका मानवता, आपकी मनुष्यता यही कहती है कि लोगों की मदद करते रहिए, यही मनुष्यता का जीवन है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, कहानी आपको कैसे लगी, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसे पसंद आई।